इंदौर में गणेश चतुर्थी पर गणेश उत्सव का आरंभ जो है वो इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में हो गया, और यहीं से आज 10 दिन तक अलग अलग प्रकार की पूजा जो है वो की जाएगी। और गणेश उत्सव का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर किया गया है। सुबह आरती के साथ ही यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर्व जो है वो मनाया गया है, और लगभग 1.25 लाख मोदकों का भोग जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी संख्या में इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में जो भक्त होते हैं वह पहुँचते हैं, और उनके लिए आज यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएँ जो हैं वो भी की जाती हैं। विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही यहाँ पर कई प्रकार के जो अलग अलग आयोजन होते हैं वह भी चलते रहते हैं। हमारे साथ मुख्य पुजारी यहाँ के मौजूद हैं। तो किस प्रकार की आज पूजा की गई और क्या आज दिन भर यहाँ पर रहने वाले? आज दिन भर भक्तों की बहुत भीड़ रहेगी। आज भगवान जी को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया है, और मोती से भगवान जी को सजाया गया है, फूल बंगला बनाया और सोने के आभूषण से भगवान को सजाया गया है, और प्रतिदिन भगवान को अलग अलग तरह का लड्डू का भोग लगेगा। 10 दिन तक किस प्रकार से भगवान को सजाया जाएगा, किस प्रकार से मंदिर? प्रतिदिन भगवान जी को अलग अलग मोतियों के सजाया जाएगा, मोती का श्रृंगार होगा और अलग अलग तरह के लड्डू का भी भोग लगेगा, और 10 दिन तक भजन संध्या भी होगी, और यहाँ भक्तों के लिए सब व्यवस्था कर रखी है सब गवर्नमेंट ने, और सब अच्छा चल रहा है। कितने श्रद्धालु पहुँचते होंगे यहाँ पर? करीब करीब अभी आज रात भर से 3-4 लाख पब्लिक आ चुकी है, कारण 24 घंटे का मंदिर खुला है, इसलिए रात भर से पब्लिक चल रही है। कारण 18 तारीख से रात से लेकर अभी चलेगी 10 दिन तक पूरी है, कम से कम 10-20 लाख पब्लिक आने की संभावना है। ये जो मोदक बनाए गए हैं कितने दिन से इसकी तैयारी चल रही थी, किस प्रकार से इसको बनाया? 15 दिन पहले से इनकी तैयारी चल रही है मोदक की, सब व्यवस्था करने की। इसमें कम से कम 50-60 कारागिर बनाने वाले थे, और इसमें 15 दिन में पूरे मोदक बन गए 1.25 लाख। कहीं ना कहीं आपको मंदिर दिखाएंगे कि मंदिर को किस प्रकार से सजाया गया है, पूरी तरह फूलों से मंदिरों को सजाया गया है, और पूरे मंदिर में जगह जगह भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। खास फूलों से देर रात से इस मंदिर को सजाया जा रहा था, और इस मंदिर में विशेष पूजा जो है वो सुबह की गई है। लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, और इसी के लिए पूरे मंदिर को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश भी इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर जो भक्त हैं वह गणेश चतुर्थी पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और गणेश चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। इस महत्व को देखते हुए ही इस मंदिर पर खास इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशु मुकाती, IBC 24 इंदौर।